बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। जुलाई में उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच ने पॉर्न फिल्म बनाने और उसे बेचने का आरोप लगाते हुए उनको गिरफ्तार किया था। अभी भी आपको बता दें वो पुलिस की हिरासत में ही है। इसी मामले में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का नाम भी सामने आया था। यूं तो गहना वशिष्ठ कई बार राज कुंद्रा का बचाव सामने आकर कर चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल हमेशा बोल्डनेस के लिए जाने जाने वाली गहना वशिष्ठ ने खुद का न्यूड फोटोशूट कराया है और इस न्यूड फोटोशूट की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कोई भी लड़की अगर आरोप लगाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला गलत ही है। जैसे एक्ट्रेस ने ये बताया है कि उन्होंने भले ही न्यूड फोटोशूट कराया है लेकिन इस दौरान उन्होंने ना कुछ पिया, ना डायरेक्टर ने उनसे कुछ कहा, ना उनका यौन शोषण हुआ और यहाँ तक कि इस फोटोशूट की पेमेंट भी उनको टाइम पर मिल गई है। क्या लिखा है गहना वशिष्ठ ने अपने पोस्ट में, ये मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। मैंने सेट पर किसी भी तरह का जूस नहीं लिया, मैं अपने पूरे होश में थी। मैं ऑटो में सेट पर पहुंची, वापस भी मैं एक ऑटो में आई जो कि सेफ था। मुझे मेरी पेमेंट भी मिल गई है। इन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं 18 साल से ज्यादा की हूं और एक साधारण आर्टिस्ट हूं, इसलिए आप सभी से गुजारिश करती हूं कि 1.5 साल बाद मेरे किसी भी प्रोड्यूसर पर धारा 370, 76 और 54 ना लगाएं। इसके साथ साथ गहना ने कई सारे हाथ जोड़ने वाले इमोजीज बनाए हैं। आखिरी में उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मेरा पोस्ट अश्लील या फिर सही नहीं लगता है तो वो मुझे ब्लॉक कर सकता है। ये मेरी वॉल है और मुझे पूरा हक है कि मैं इस पर कुछ भी पोस्ट कर सकती हूँ जो मैं चाहूँ। शुक्रिया। बता दें गहना का ये पोस्ट सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं और इन सब के बीच आपको ये भी बताते चलें कि गहना वशिष्ठ पोर्नोग्राफी केस में नाम आने के बाद कई बार अपनी सफाई दे चुकी हैं। उन्होंने राज कुंद्रा का पक्ष भी लिया है और कहा है कि वो इरोटिक कंटेंट बनाते हैं ना कि पॉर्न कंटेंट। इस पूरे मामले को लेकर गहना वशिष्ठ से पूछताछ भी हो चुकी है और हाल ही में उनके साथ एक कंट्रोवर्सी और जुड़ी थी जिसमें उन्होंने अपने फटे हुए कपड़े दिखाए थे और कहा था कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस है। और फिर गहना वशिष्ठ की इन बातों से, इन पोस्ट से लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद गहना वशिष्ठ अब पुलिस कोर्ट कचहरी से परेशान हो चुकी हैं और क्योंकि उन्होंने एक डिप्रेसिंग नोट साझा करके अपनी परेशानी को भी बताया था। खैर इन सब के बीच अब गहना वशिष्ठ का ये जो न्यूड फोटोशूट सामने आया है और इसके साथ जो उन्होंने लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं।